हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता है कि आप सब काफ़ी स्मार्ट हो। आप सभी हमें ये बताओ कि टोटल कितने फाइलम होते हैं। वेरी गुड, टोटल 11 फाइलम होते हैं। सबसे पहला फाइलम हमारा कौन सा है? पोरी फेरा, सीलेन ट्रेटा, टीनो फोरा, प्लेटी हेलमंथीस, एसके हेलमंथीस, एनी लीडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमी कॉर्डेटा। लास्ट में हमारा जो सबसे प्यारा है हमारा कॉर्डेटा। हमें इसमें याद रखना है, ये जो हमारा एनिलीडा होता है इसमें एक बहुत ही स्मार्ट जीव पाया जाता है जिसका नाम है दिलवर। क्या नाम है? दिलवर। ये ऐसा जानवर है जिसके पास 8 हर्ट होते हैं, यानी 8 दिल होते हैं। और इसका नाम क्या है आप सभी को पता है? ये जानवर काफी स्मार्ट है। इसका नाम अर्थ वॉर्म है। क्या नाम है? अर्थ वॉर्म। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि हमारा सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। सबसे लार्जेस्ट फाइलम बताइए भाई। तो कौन सा फाइलम है? आर्थोपोडा। आप सब काफी स्मार्ट हैं, तो सबसे बड़ा फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थोपोडा। ये हमारा आर्थोपोडा है, सबसे लार्जेस्ट है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन सा है? मोलस्का। मोलस्का हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ओके, इतना तो सभी को पता है, ठीक है। हमारा दिलवर किस फाइलम में रहता है? एनिलीडा में, आप सभी को याद रहेगा। और इसका क्या नाम है? अर्थ वॉर्म। ओके, चलिए अब हम पहले फाइलम के बारे में बात कर लेते हैं। फाइलम, पहला फाइलम कौन सा है? पोरी फेरा। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। तो सबसे पहला नाम पोरी फेरा का, आप सभी को पता है कि पहले फाइलम को पोरी फेरा बोलते हैं। अब इसका सेकेंड नेम क्या हो जाएगा? स्पंजेस। इसे हम कभी कभी स्पंजेस के नाम से भी जानते हैं। दे आर जनरली मराइन। ज्यादातर मोस्टली ये कैसा होते हैं? मराइन होते हैं, यानी समुद्र में रहने वाले होते हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनका जो बॉडी होता है कुछ इस टाइप का होता है। अगर आप इसे किसी भी साइड से काटेंगे तो ये बराबर भाग में नहीं बटेगी। चाहे इधर से काटिए आप, चाहे इधर से काटिए आप, चाहे इधर से काटिए, इनकी बॉडी की कोई भी सिमेट्री नहीं बनेगी। तो आपको याद रखना है कि पोरीफेरा हैज नो सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें याद रखना है इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा कैसा होता है? सेल लेवल का होता है। ओके, सेल लेवल का होता है। स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इनकी बॉडी कैसी होती है? वाटर कैनाल की टाइप होती है, यानी एक नली के जैसी होती है, पाइप के जैसा। ओके, कैनाल टाइप। ओके, वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया। जिस रास्ते से हमारा जो पानी है H2O अंदर जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑस्टिया बोलेंगे। इन द बॉडी वॉल इंटू अ सेंट्रल कैविटी। इनके बॉडी के जो वॉल्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे कैविटीज होती हैं, छोटे छोटे कैविटीज होती हैं, और इसको क्या बोलेंगे हम? स्पॉन्जियल। इसे हम बोलेंगे स्पॉन्जियल। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। और जिस रास्ते से पानी हमारे जो है बाहर निकलेंगी, ये H2O बाहर निकलेगा, उसे बोलेंगे ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे? ऑस्कुलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। तो ये जो पानी इस रास्ते से अंदर आ रहा है और इस रास्ते से बाहर निकल रहा है, सबसे पहला किस काम में मदद करता है? भोजन को इकट्ठा करने में मदद करता है। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी, यानी इनका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, यानी ऑक्सीजन लेने का, इसमें मदद करता है।
एक्सचेंज एंड रिमूव ऑफ वेस्ट, और साथ ही साथ जो भी वेस्टेज रहता है इनके बॉडी में, यहाँ से अंदर पानी गया और यहाँ से वेस्टेज के साथ बाहर आ जाता है।